हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोफेशनल प्रोग्रामर के द्वारा उसे प्रोग्राम किया जाता है। नॉर्मल प्रोग्राम्स की ही तरह, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐप यूज करते हैं, उसी की ही तरह वायरस को भी प्रोग्राम करके कोडिंग करके बनाया जाता है। जैसे दूसरे नॉर्मल प्रोग्राम्स का काम आपके काम को आसान बनाना होता है, वैसे ही वायरस का काम आपके काम को मुश्किल बनाना होता है, ताकि वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर अटैक कर सके और अटैक करके आपके कंप्यूटर या मोबाइल को स्लो कर सके, या फिर उसका डेटा चोरी कर सके, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो वायरस कर सकता है। अब इस बात से आप ये समझ गए हैं कि वायरस क्या होता है। अब ये समझ लेते हैं कि वायरस कैसे काम करता है, उसके काम करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो वायरस जो है वो अपने आप को डबल करने की उसमें क्षमता होती है, यानी कि वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। उसे ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके। नॉर्मल शब्दों में इसे समझें तो अगर आपको किसी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो आप उसके कॉपी करते हैं। आपने कॉपी किया, उधर ले जाके पेस्ट कर दिया, तो फाइल इधर भी है और उधर भी पहुंच गई। पर वायरस में ये चीज़ पहले से उसमें प्रोग्राम की जाती है कि उसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से ही कॉपी होते रहता है। तो वायरस जो है वो अपने आप को डबल करते हुए आपके हर एक फाइल में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद आपकी फाइल को या तो करप्ट कर सकता है, या फिर जिस भी डेवलपर ने उसे बनाया है उसके पास आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा भेज सकता है, आपका डेटा डिलीट कर सकता है, और भी आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने में रुकावट डाल सकता है। इस टाइप से आपका सिस्टम भी स्लो हो सकता है। इस टाइप से आप समझें कि वायरस जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेनली जो है वायरस के काम करने का यही तरीका होता है। तो अब आ जाते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार के हिसाब में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वायरसेस होते हैं, लेकिन जो कुछ उनमें से मेन है उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे कि वॉर्म्स, ट्रोजन, मालवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो हमें अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई डेटा उड़ा देगा, कोई हमारी जानकारी किसी को दे देगा, कोई हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देगा। अब सबसे मेन टॉपिक में आ जाते हैं कि वायरस कैसे फैलते हैं। तो वायरस के फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा जो मेन कारण है। जैसा कि नेटवर्क से, मान लीजिए एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो किसी एक कंप्यूटर में भी अगर वायरस आ गया तो उसे दूसरे में जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वायरस अपने आप को दोगुना करने की क्षमता रखते हैं, वो डबल होते जाते हैं। तो वो जल्दी 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 एक दूसरे में फैलते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसी में है पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने से। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर है जो कि पेड है, उसका अभी क्या है, डेवलपर लोग आते हैं उसका पायरेटेड वर्जन निकाल देते हैं, फ्री में आपको यूज करने दे देते हैं। आप थोड़े टाइम के लिए तो खुश हो जाते हैं कि भैया हमें ये पेड सॉफ्टवेयर फ्री में मिल गया है, लेकिन उस फ्री के चक्कर में वो जो डेवलपर होता है उसमें कोई ऐसा वायरस छोड़ देता है, या फिर अपने से ही उसमें वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं जिससे आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसी में आता था टॉपिक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, या किसी का मोबाइल कंप्यूटर में अपने कनेक्ट करना, या इस टाइप से कोई भी बाहरी डिवाइस जो बाहर से आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है, अगर उसमें वायरस है तो वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ सकता है और आके आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है। आज के टाइम पे वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट। हम इंटरनेट को यूज करते हैं, यूज करते हुए हम ऐसे वेबसाइट्स में चले जाते हैं जो ट्रस्टेड नहीं है। उनमें जाने के बाद आपको बहुत सारे एरर कोड डिस्प्ले में शो होते हैं। इस टाइप के एरर कोड जब आपको शो हो तो आप समझ लीजिए कि वो जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं है। वहां पर वायरस के आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक बार वो आपके अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में वो वायरस आ गया, उसके बाद आप अपना कोई भी डिवाइस उस कंप्यूटर या मोबाइल में कनेक्ट करेंगे
चाहे पेन ड्राइव, चाहे कार्ड, मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर इसके अलावा और कुछ भी, तो वो आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर से आपके मोबाइल में भी आ सकता है। इस टाइप से इंटरनेट के माध्यम से सबसे ज्यादा वायरस फैलते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन भी होते हैं। मान लीजिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं एंटीवायरस का, कि एंटीवायरस आप यूज करिए, जो भी अनवांटेड चीज होंगी उन्हें आपका एंटीवायरस पहचानेगा और उन्हें डिलीट कर देगा, या फिर उन्हें क्वारंटाइन के लिए रख देगा। इससे आप अपने कंप्यूटर को तो सेफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मोबाइल को वायरस से कैसे बचाया जाए, और अगर वायरस आ गया है तो उसमें हम मोबाइल में क्या कर सकते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर से एंटीवायरस इंस्टॉल करके वायरस को हटा सकते हैं, वैसे ही मोबाइल में भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें और वो सारे वायरस को हटा देगा। ऐसा नहीं होता है मोबाइल में, खासकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी मोबाइल के लिए एंटीवायरस आते हैं वो 100% ट्रस्टेड नहीं होते हैं। अभी तक मोबाइल के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं बनाया गया है जो सारे पूरे अच्छे तरीके से मोबाइल को क्लीन कर सके, सारे वायरस से फ्री कर सके। इसलिए मोबाइल में, वैसे मोबाइल बहुत सिक्योर होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल में आप बाहर की डिवाइस लगा ही नहीं सकते। आप डिवाइस ही नहीं लगा पाएंगे तो उसमें वायरस आने का खतरा ही खत्म हो गया। वैसे ही आपको मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, कोई ऐप यूज करना है, कोई गेम यूज करना है, कुछ खेलना है, कुछ देखना है, कोई वीडियो डाउनलोड करना है, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, इस टाइप से आप सारी चीजें एक ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। जैसे आपको मूवीज कहीं से चाहिए तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट के पास जाइए, आप किसी भी पायरेटेड वेबसाइट के पास जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वायरस आने का खतरा दिख जाएगा, स्क्रीन में शो कर देता है कि वार्निंग है, यहाँ वायरस आ सकता है, ये है, वो है, वो सब आपको पता चलते रहेगा। लेकिन जो भी आज तक मोबाइल में एंटीवायरस आए हैं वो प्रॉपरली 100% वर्क नहीं कर पाते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए आज तक। बाकी आगे आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, कि आगे आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी है वो एकदम एक्यूरेट 100% काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो भी आपको ऐप अगर डाउनलोड करना है, अगर आप एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं और आपको किसी ऐप या गेम की जरूरत है तो वो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड करने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो वायरस आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है इंटरनेट के थ्रू। वैसे ही आप अगर एप्पल का फोन चला रहे हैं तो एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। यानी कि हमें कोई भी चीज अगर बाहर से डाउनलोड करनी है या लेनी है तो हमें ट्रस्टेड वेबसाइट से ही लेनी है या वहीं से ही डाउनलोड करनी है। अगर थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और मोबाइल की जहां तक बात है, अगर मोबाइल में वायरस आ ही जाता है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसे फॉर्मेट कर दीजिए। आप फॉर्मेट करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को छोड़ के सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी और साथ में आपका वो वायरस भी डिलीट हो जाएगा। अभी के टाइम पे यही एक तरीका है जिससे आप 100% वायरस फ्री हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वायरस के बारे में अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।